हेलो गाइस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपकी वीडियो रहेगी आरआरबी से रिलेटेड। जो आपका आरआरबी का एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, उसके बाद आपका मेडिकल और डीवी कंडक्ट करवाया गया था, तो उसी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन रहेगी, ये वीडियो आपकी रहेगी। ठीक है, इसमें क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनने रेलवे का मेडिकल दिया था, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन दिया था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होने के बाद वो मेडिकल नहीं दे पाए थे, किसी वजह से उनको जाना पड़ गया या फिर वो अब्सेंट रहे थे। ठीक है, तो उनके लिए आरआरबी एक और मौका दे रही है, उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये कि उनको अगेन एक मौका और मिल रहा है आपका। और इससे पहले भी एक लिस्ट जारी हो चुकी थी, उसमें 114114 के करीब स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो रह गए, मतलब उस लिस्ट में उनका नाम नहीं आया था, जिनका डीवी क्लियर हुआ था लेकिन मेडिकल में वो अब्सेंट रहे थे और उनके रोल नंबर उस लिस्ट में मेंशन नहीं थे। तो आरआरबी ने एक लिस्ट और जारी की है, मैं अलाहाबाद जोन की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो आपका लेटेस्ट नोटिस है उसी को मैं ओपन करती हूँ। तो देखिए, इस नोटिस के अंदर क्या है आपका, एडिशनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव बीन आइदर अब्सेंट और अब्सकॉन्डेड ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एट ए डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल अंडर CEN 01/2018 ALP टेक्नीशियन। ठीक है, ALP टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है ये। दिया है विद रेफरेंस टू नोटिस नंबर 49/2019 डेटेड 14 November 2019, लिस्ट ऑफ 114 कैंडिडेट वॉज अपलोडेड ऑन RRB अलाहाबाद वेबसाइट हु हैव बीन आइदर नॉट अटेंडिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन और अब्सकॉन्डेड ड्यूरिंग मेडिकल examination. Further, after getting report from CMS of Railway Divisional Hospital, additional list of 11 candidates is now been issued who have been either absent or absconded from medical examination. 114 students की already 14 November को list out हो चुकी थी, लेकिन 11 students ऐसे थे जो बच गए थे, तो 11 students की वापस से एक list जारी की गई है। ठीक है, आगे दिया है, the candidates are hereby informed that they have to submit declarification to RRB Allahabad within 30 days. देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं नीचे, जिन भी स्टूडेंट्स के रोल नंबर है जिनको मेडिकल के लिए जाना है, उनको एक क्लैरिफिकेशन वहाँ पर सबमिट करवाना पड़ेगा कि जो उनकी मेडिकल और डीवी डेट थी उस टाइम पर वो क्यों नहीं मेडिकल करवा पाए। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन उनको देनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ेंगे, रीजन होना चाहिए। आगे दिया है, द रिप्लाई ऑफ द कैंडिडेट अलोंग विद स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट मस्ट रीच द आरआरबी अलाहाबाद ऑफिस लेटेस्ट बाय 15 December 2019 फॉर दोज कैंडिडेट to whose reasons for not attending or completing their medical examination will not satisfactory or who will not submit any response, their candidature will be cancelled. देखिए, जो भी वो रीजन या क्लैरिफिकेशन वहाँ पर सबमिट करवाएंगे, यदि आरआरबी को लगता है उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो उनका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। आगे दिया है, दिस इज द फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर कैंडिडेट्स हु हैव बीन अब्सेंट और अब्सकॉन्डेड इन देयर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड नो फर्दर चांस विल बी गिवन टू देम, दे विल ऑल्सो बी इन्फॉर्म्ड SMS एंड ईमेल। देखिए, इसमें बोला गया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो अब्सेंट स्टूडेंट थे, उनको अभी एक मौका दिया गया है, लेकिन ये फाइनल मौका है, इसके बाद उनको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा और उन स्टूडेंट्स को SMS और ईमेल के थ्रू भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। आगे दिया, द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हॉस्पिटल वाइज हु हैव आइदर बीन अब्सेंट और अब्सकॉन्डेड ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन इज एज अंडर, जो जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मेडिकल होना है, किस हॉस्पिटल में होना है, ये पूरी लिस्ट दी है। जैसे CMS डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल अलाहाबाद है, उसमें 4 स्टूडेंट्स का होना है, ये रोल नंबर आपको चेक करना है। ऐसे ही डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल आगरा में 2 स्टूडेंट्स का मेडिकल होना है, और आपका मुरादाबाद में 1 स्टूडेंट का होना है, और वाराणसी में आपके टोटल 4 स्टूडेंट्स का होना है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हैं जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, तो आपको अपना क्लैरिफिकेशन जरूर लेकर जाना है कि जिस दिन आपका मेडिकल होना चाहिए था उस दिन आपने मेडिकल नहीं दिया, आप अब्सेंट रहे, तो उसके पीछे रीज़न क्या था। ठीक है, और ध्यान रखना, रीज़न ऐसा होना चाहिए जो वैलिड लगे एकदम, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे दूसरे जोन के स्टूडेंट्स भी हैं, दूसरे जोन के स्टूडेंट्स के भी यहाँ पर मैसेज आते हैं कि भाई हम किसी वजह से मेडिकल नहीं दे पाए थे, अब हमें और चांस मिलेगा क्या। तो उनके लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है कि उनको भी चांस मिल सकता है। जब इलाहाबाद जोन में मिल रहा है, तो बाकी जोन के अंदर भी ये लिस्ट आपकी आउट होगी ही होगी। ठीक है, ऐसा
हो सकता है कि थोड़ा डिले हो, लेकिन आपकी लिस्ट ज़रूर आउट होगी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। ऑल द बेस्ट आपके मेडिकल एग्ज़ाम के लिए और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती है वो मैं अपने चैनल के ऊपर ज़रूर अपलोड करती हूँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।